नमस्कार बिग ब्रेकिंग सहित मो पूर्व खरस्रोता नदी बंचा अभियान आंदोलन आज चतुर्थ दिन में पहुंची संग्राम महासंग्राम रूप नहीं हजार हजार लोक वर्तमान रास्तारे पुलिस प्रशासन को विरोध करुछंती एवं नारा रही जेपर्यंत जीवन जीविका अच्छी से पर्यंत खरस्रोतारु बुंदा भी पानी दिजिव ना कौन पर प्रशासन जिते प्रकल्प आरंभ कला स्थानीय लोकों सहित आलोचना कला ना कौन तीन दिन आंदोलन पर भी एपर्तंत कौन निष्कर्ष बाहर ना कौन पर स्थानु पलटि प्रशासन एवं सरकार तरफ एपर्तंत कौन लोकों भितर जो रोष रही लोकों भितर जो असंतुष्ट रही असंतोष रही प्रशमित करने कौन पदक्षेप निना तो चतुर्थ दिन में पहुंची खरस्रोता नदी बंचाओ आंदोलन एथिर हजार हजार लोक सामिल होती तीनोटी पंचायत एवं 144 धारा जारी रही आवाहकों को गिरफ्त कर सूचना आँचुची और किसी समय तले सीधासल चित्र आम आपे पहुँचाऊ पब्लिक आलिस मुहांमु होते खंड युद्ध देखाला एपरिक लाठी चाला भि स्थिति उपजीला कितु जहाँ सूचना आसी पहुँची बर्तमान जे केवटना के प्रशासन एपर्तंत स्थिति नियंत्रण ने सक्षम होना प्रभात लंका प्रतिनिधि लगातार भाव आज सका घटनास्थल उपस्थित अच्छा टिकनिक खबर पहुंचाऊँ प्रभात समय बर्तमान आसी साढ़े गोटे गोटाई तीस बाजिला बर्तमान अपडेट कौन देखु जदि कह बर्तमान स्थिति गोटे प्रकार स्थगित रही बर्तमान जदि कह गोटे आप जो अच्छू बर्तमान बरुणाडिया जो बरुणाडिया बरुणाडिया छक परिसर अच्छे जोटी पुलिस आउ जनता मुहांमुही सीधा सड़क बारिकेड होता बारिकेड भांगी सीधा सड़क साधारण जनता पशी तो आम सहित तो जड़े शिक्षावित अच्छा प्रतिक्रिया आम निश्चित भाव ना आज्ञा ये जो आंदोलन घटला आपण अंचल जड़े वरिष्ठ व्यक्ति जड़े शिक्षावित कौन कह ये दु वर्ष धरी जो तीव्र असंतोष रही प्रशासन कलेक्टर एसपी सब बारंबार तीन पर्यायर आसे सम्मुखीन होम प्रश्न उत्तर दे पार ना नैतिक प्रश्न उपरे आमर जहाँ दाबी किंतु प्रच्छन्न भाव ये चार दिन है पुलिस फोर्स को मुतयन करमक ये 140 जारी कर जो आमको बारण कर अरेस्ट कर पहर दिन नहीं आज आम निष्पत्ति नहीं गत काली हजार हजार संख्यार आसबू शांतिपूर्ण भाव में आम ये रास्ता अवरोध करूँ प्रशासन को जनईदबू किंतु वैक्सिंग मोब असंतोष जनता जोबले समवेत अपेक्षा न रखिकी जा भांगी देखकर ड्रोजर खाद्यपेय इत्यादि इत्यादि की भांगी तार प्रतिक्रिया तेणु यही जो असंतोष प्रकाश पाई आम आशा करूँ सरकार ये जो जनसाधारण कनिका आदिवासी ये जो मर्मभेदी जो समस्या सृष्टि तुरंत विचार करके प्रत्याहर करने घटनास्थल जदि प्रशासनिक अधिकारी एसपी हूँ कलेक्टर हूँ कि विधायक हूँ जब पहुँच था आप समाधान करने चाहते तेल आप संग्राम जारी ना रही ना आलोचना करते कौन आम कथा से शुणी था आम पथर एत बलिष्ठ जुक्ति अच्छी केंद्र सरकार राज्य सरकार जो जल विभाग से जो तथ्य देती आमर केन्द्रापड़ा जिले में गुणे पा था बेले साढ़े तीन गुण बालेश्वर भद्रक अच्छी तेणु ये क्षेत्र में आम बार बार प्रमाण कर सारापर नैतिक समर्थन ना आम सहित जोड़ी होते अंचल वरिष्ठ चाषी अच्छा आज्ञा कौन कह जो आज है तीव्रतर है तो आपण मैंने भंगारुजा कले पुलिस अतर्कित आक्रमण कला अनेक 4-5 जन आहत हेले कौन कह मुझे गंगाधर मल्लिक अतीतर जो आंदोलन होता कनिकार जो बना बंध एवं मरुड़ी बंध होते मस मस धरिकी एटी जेल भरण करनिकार को सुना फल लक्ष्य काम आरंभ करूँ एवं आज जो लोक चाषी लोक मूलिया लोक जब खुशी से कनिकार था से अतीतर ऐतिहासिक आंदोलन लेखकों नेतृत्व दीला से ही आंदोलन विफल हम एवं कनिकार जमी अतीतर जो दुख इतिहास जो दुख कनिकार जो बना मरुड़ी चीर सहचर था लोके चाष कर गंडे पा ना आषाढ़ मसने धान भार धरिकी बुलूले से ही अवस्था पहुँच ये सरकार गोटे अंध सरकार एवं ये जो योजना जो नहीं आदानी अंबानी की पानी दबो नहीं कि चांदवाली रे पानी दबा कथा कहीकि पीवा पानी नहीं कि पहुँचाऊँ ढामर ये कथा लोक ठीक भाव कनिकार समस्त लोक उद्गम करछंती
6 मास धरिकी ताकू विरोध करके ये योजना को सेठी नई पठार बसिक रही खरसोटा धार एवं शेष देखाला जे 11 तारीख पर पुलिस ये छाउणी होकर पुणी काम आरंभ कले से योजना नहीं कि सारा कनिकार प्रचार करने जो गाड़ी जाता से गाड़ी की सीज कले माइक सीज कले सत्वे मुहे मुहे कथा जा पहुँचला प्रति गाँव में अतीत इतिहास को मन पकई कनिकार माटी जो आंदोलन माटी सी मटी पिला कबिला एवं झील एपरिक आज से पुलिस सहित धस्ताधस्ती बेले बरणा डी गोटे झील को गोईठा मारी पुलिस जहाँ रक्त गरम कनिकार इतिहास को ये झील उपर अत्याचार एवं जाओ आज एक प्रकार आंदोलन सफल हो घर द्वार भांगी एवं पुलिस गोड़े देखते इत्यादि इत्यादि कर लाठी प्रहार कर आंदोलनकारी ढेला मार प्रहार कर समस्या देखा मिली कौन कह से संपर्क पुलिस आगे ता तरफ भूल करगत जमी उपर 144 धारा प्रयोग कर किसी कारण ना जो गुड़ाक सरकारी जमी अच्छी से ताऊपर 144 धारा कर रास्ता उपर पोल 144 धारा लागू करार किसी कारण ना एवं जहाँ लोकमंगल कम नो सी कम को पुलिस आसू कि राष्ट्रपति एटिक आसतु ये कहारी खातिर करल एम एल ए जे प्रताप देव सी जे एपाई किसी परिमाण दायी हे कारण से आम सांगे आंदोलन नहांती सहयोग आम पाऊन से गाँ गंडार निजुक से सरकारी दल भाव अनेक लोक रही जाऊँगी भय कर कारण जो गोटे इंदिरा आवास पाया बेले जो चार इंदिरा आवास दि जाए लोक आम सहित कथा होता है ब्लक जो मीट होता से मीटिंग से कही ऊपर लड़े कर लड़े करज अंचल लड़े कर हाँ से प्रोजेक्ट तो लोक निश्चय भंगा जब देखुं आप जो स्थिति रही बर्तमान कहते जी जो वरिष्ठ चाषी जी तर प्रतिक्रिय कहते से विधायकों सहित आलोचना करते जो संग्राम समिति तरफ ते विधायक कही कम करे बास्तव क्षेत्र में विधायक प्रतिश्रुति रखिना जड़े चाषी प्रतिक्रिय कहते एमती अनेक समस्या देखा मिली जदि कह बर्तमान समय जो बाजी साढ़े गोटे बाजी साढ़े गोटे जो आंदोलनकारी बर्तमान घर मुहाँ खाइला बर्तमान खाई आसवापर कौन रिस्थित ता निश्चित भाव तो देखापी बाकी रही तेज अनेक बुद्धिजीवी आंदोलन को आहरी उग्रतर होती प्रशासन तरह स्थायी समाधान न हुए तेज आहरी उग्र रूप ना सीधा सड़क चेतावनी दौरान प्रभात यह जानवाक चाहूँ जे कथा एत बाट आग को गलापर भी जिला प्रशासन तरफ कौन कौन अधिकारी घटनास्थल को आसी ना जदि आसी लोकों सहित कौन आलोचना करें सीधा साल देखते किसी समय तेज उपजिलापाल निजे आसी पहुँची थे कम से कम किसी नेतृस्थानीय लोकों सहित से कथा होना होना ना खाली आसिकी देखनाहारी साजिकी पुणी चली जाइंट जिला प्रशासन देखु उपजिलापाल जे निरंजन बेहरा घटनास्थल थे तेज साधारण जनता को बुझे पार नए बुझेबार से सक्षम नए तेज अंपक एसडीपीओ रैंक जो दुईज अधिकारी थे जदि कह राजीव लोचन पंडा थे और संध्याराणी बेहरिया थे तेज सी बुझेबार नाकेदम हो पड़े तेज जी कह ये कौटना कौट ये जिलापाल जदि आसवर जदि जिलापाल आसी था कि एसपी घटनास्थल में पहुंची था तेज कौटना कौट साधारण जनता सहित गोटे आलोचना परामर्श होता परामर्श पर बड़ आंदोलन रूप नहीं था संग्राम महासंग्राम रूप नहीं था अनेक क्षय क्षति घटला तेरे पुलिस आक्रमण शिकार है साधारण जनता जो आक्रोश निश्चित भाव अनेक सामग्री कंपनी क्षय क्षति है तेज ए नहीं स्थित बर्तमान संगीन होबार लगला तेज ये जो रही आंदोलन आगामी दिन में आहरी तीव्रतर हो सीधा सड़क संग्राम परिषद तरफ साधारण जनता चेतावनी दौरान प्रशासन स्तर में जिते शीघ्र पाइब से प्रशासनिक अधिकारी हूँ जिलापाल हूँ विधायक हूँ साधारण जनता आलोचना परामर्श कले निश्चित भाव आर स्थायी समाधान हो पार तो लोकों भितर एवं असंतोष रही जदिओ स्थिति सामान्य सुधुरी सका अपेक्षा किंतु लोके असंतुष्ट लोके अपेक्षा कर प्रशासनिक अधिकारी केत पहुँचे और यार कौन समाधान सूत्र बाहर प्रभात आप घटनास्थल था तो आम पुणि थे फेरु आ किसी समय पर आप किसी अपडेट देखें आप देखते बिग ब्रेकिंग समय हो ब्रेक
तो ब्रेक पर पुणि थे स्वागत। खरस्रोता नदी बंचा अभियान आंदोलन आज चतुर्थ दिन और चतुर्थ दिन में हंगामा जनित स्थिति देखा मिलता दुई रु तीन जन लोक आहत होती तत्सहित पुलिस और जनता खंड युद्ध सामना को आसी पूर्वतन विधायक उपस्थित थे घटनास्थल अनेक वरिष्ठ लोक नेतृस्थानीय व्यक्ति उपस्थित रहा सहित आंदोलन को समर्थन जनाई प्रशासन जो भाई भाव स्थाणु पलटि ताकू घोर निंदा करपर्यंत प्रशासन तरफ कौन आग्रह देखा जाए ना सरकार तरफ कौन आगुआ पदक्षेप नि जाऊना जे के भाव समस्या समाधान हो से पर्यंत समस्या समाधान कौन बाट दूर दूरांत पर्यंत देखा जाऊना खासकर जितेबले लोके कहते आम दाबी प्रति अणदेखा करम सहित आलोचना समस्या बुझुना सरकार तत्सहित ब्यारेज निर्माण पर जो दाबी आसुची पूर्व सरकार प्रतिश्रुति ताणीर गार पलटि एभली स्थित समस्या केवभली समाधान लोकों असंतोष को किभ भाव प्रशमित कर सब बड़ कथा जे मेगा जल प्रकल्प हे तो कारण लोके जिद्र अड़ बसी जे जीवन पछे देवे किंतु जल प्रकल्प करेदेवे ना एवं सहित लोक कौन जे मरबू किंतु छाड़बू ना जेपर्यंत जीवन अच्छी जेपर्यंत जीविका अच्छी से पर्यंत यह आंदोलन चलो ये आंदोलन से पर्यंत चलो जेपर्यंत प्रशासन निद भांगी ना ये आंदोलन से पर्यंत चलो जेपर्यंत लोकों दुख शुणी ना प्रशासन। प्रभात लेंका प्रतिनिधि लगातार भाव आज सका अधिक सूचना देखते प्रभात यह जानवाक चाहबू वर्तमान परिस्थिति में क्यों क्यों स्थानीय नेता क्यों क्यों स्थानीय वरिष्ठ व्यक्तित्व घटनास्थल में पहुंची थे लोकों सहित आलोचना करम से कम लोकं प्रतिश्रुति प्रशासन नहले ना सरकार नहले ना आमे आपण सहित अच्छु देखु जदि कह घटनास्थल कौन जदि कह शासक दल कौन नेता घटनास्थल में पहुँची पारिना कि साधारण जनता को बुझेबार सक्षम होना तेब से समान स्थिति जदि रही दिन तमाम बोधे आम खबर प्रसारण करुचे जदि कह जो जनता ताति जो बारंबार तातुंट उग्र रूप नौ घटनास्थल में कौन अप्रतिकर परिस्थिति जब घटी जाता तेज किए दायी रही था साधारण जनता जीवन प्रति जो खेल खेल जाऊँगी कह प्रशासन अधिकार जो पुलिस मुतयन रही बारिकेड भंगा जापक्ष पुलिस लाठी प्रहार पुलिस पानी माड़ हो साधारण जनता ये उत्त्यक्त होती बहुत भंगारुजा करेबे जो रही जो स्थानीय नेता रही स्थानीय शासक दल नेता रही जदिव कहवा प्रताप देव प्रताप केसर देव ये अंचल नेता रही अन्य जो नेता रही जिलार तमाम नेता मैंने से मैंने घटनास्थल आसी निश्चित बुझासुझा कर आवश्यकता रही तेरे पूर्वतन जो विधायक अच्छा देवेन्द्रनाथ शर्मा किंवा कह दोलगोविंद नायक जे दुईज नेतृत्व नौकरी मटीपाई पार्टी खोलुँच मटीपाई पा देवे ना बोली से सीधा सड़क साधारण जन अच्छा कारण साधारण जनता भोटे निर्वाचित होती तेज साधारण जनता से तेज वास्तव क्षेत्र में जो स्थिति रही तेज आम सहित जो युव समाज भी जोड़ी होती आज्ञा कौन नेता आपरे पहुँचल ना ना देखो बर्तमान शासक दल कौन लोक चाहते चाहूना ना जो मैंने शासक दल अच्छा से पैसा पत्र खाई निश्चित भाव से कहीं जदि ये बड़े गोटे प्रोटेक्शन होते प्रोटेस्ट हो लोक मैंने साधारण जनता रास्ता को ओह्लैं स्त्रीलोक कतु छोट पिला समस्त अच्छे से कहारी देखा ना बर्तमान ये गोटे सब गोटे प्लानिंग बुझे पैसा पत्र खाई ये सब प्लान करता हूँ बर्तन यहीटा जो है आज जो ये गोटे साधारण झलक यहाँ जानतु से जानतु यहाँ गोटे झलक मात्र ट्रेलर पुणी न्यू फ्यूचर कौन हम से आकलन करवा दरकार यहाँ गोटे साधारण कथ नु पा देखते पा नौना पा मु पा अटके मुँह किए ना आम साधारण किए पानी रो व्यवस्था कर बनाऊ तुम्हें जो शासक दल रो जड़े किए आसिक सामने कहले कि ना आम यहाँ करमु बदल तार कौन कौन दल रे ना खाली गोटे आमको गोटे गप शुणी आम कलेक्टर सहित लेटर करदे कहीं कपी कहीं आम कहते कहीं कपी कि ना ये सब ये गुड़ा सब मिछ प्रलोभन देखुं जदि ठीक अच्छे आम आम अंचल प्रताप केशर मुझ जो सत कह मुझे सपोर्टर बीजेडी सपोर्टर मुझे गोटे पिला कहीं बर्तन तुम ये नुह तुम जो ये एरिया एम एल ए तुम आसिक देखो ना सिचुएसन देखो ना कहीं आसलनी तुम न तुम्हें न आसपाल तुम कई जड़े भाया मीडिया केत अच्छा समस्त आसपर ना कहीं तो आसिक इनकार तो कर आटलिस्ट कौन होना ये कौन कल सी सब लोक मानते जो दिन फास्ट टाइम आरेस्ट हेले आम बजार भारिकता बजार ये बीजेडी गला मद मद पी खुशी होती कोलाग्रत हो ये कौ प्रकार खुशी आम कौन बुझू मुझे जो सपोर्टर बीजेडर कहीं कहीं कर तुम जब तुम लोक आम कौन आम आड़ निर्वाचन मंडल लोक ना जदि तुम से सहानुभूति था तो तुम्हें आसी देखा कल ना ये लोक आसिक ये शराण कहीं तुम से कर्तव्य नुह कि
ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଲୋକସଭାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେଇଦେଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର, ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଆକଳନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବନି କେମିତି, ଶୁଣିବାକୁ ସିଏ ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି କମ୍ପାନୀବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତ କିଛି ହେଇନି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଇଏ ଆଉ ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଇଏ ରହିବନି କିଛି, ସବୁ ଜଳିକି ପଡ଼ିକି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେବେ ଲୋକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁ ଇଏ ଆଜି କ'ଣ କହିଲ ଆଜିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଇଏରେ କରିକି ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଲକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଣି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ କିଏ ଅଟକିବ? ପାଣି ଅଟକୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ତମେ ନେବ। ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ଖରାଦିନ ଆମ ପାଣି ଖାରିଆ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି? ଖାରିଆ ହେବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖାରିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି ତମେ ନେଇଯିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ? ଏଇସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଆସିକି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ, ତା'ପରେ କାମ କରୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯିଏ ଆମର ଆମର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଏଇଠି ତ ସେଇଠି କହିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ, ହଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା କହିଲେ ନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ, କାରଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ଯେଉଁ ସରକାର ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ପାଣି ନେବାକୁ କେବେ ବି ମନା କରିନାହୁଁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପାଣି ରିଜର୍ଭ କରାଯାଉ, ଯେମିତି ମହାନଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରିଜର୍ଭରେ କରାଯାଇ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ସିଷ୍ଟମରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନାହିଁ, ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଟି କନିକା ଆଳି ଏଠି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ? ନାଇଁ ଆମର ଆଜି ଆମର ବହୁତ ତଥାପି 7-8 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ, ବାଟ ସାରା ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଆମର ସେଠୁ ହାଟସାହିରୁ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏପଟରେ କନିକା ପାଖରେ ସେଠି ଲୋକ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ତ ଝଲକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଲୋକ ଗଳା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପୋଲିସବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାଟ ପାଇବେ ନା ଯିବାକୁ, ଯଦି ଯେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏମିତି ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ଏଠି 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 କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ଏଠି ଆମର ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମର ଏଠି ଘର ଘର ସବୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଷୀ, ପରି କିଏ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ଏଠି ଯଦି ଖାରିଆ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆମର ଏଇଠି 10 କିଲୋମିଟର ତଳେ ପା ଲୁଣା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି କିଟି ଦୁବ, ଏଠି କାହିଁ ଏଠି ତଣ୍ଡି ହେଉଛି କାହିଁ ବିଲରେ? ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ ପାଣି କାହାରିକି ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଥିଲା ଜୟଗୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କର, ପାଣି ଲୁଣା ଶୀତଦିନ ଖରାଦିନ ପାଣିକି ଅଟକାନ୍ତୁ, ପାଣିକି ଅଟକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୋର କରାହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଲା କଥା। ଆପଣ ତ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଜଳ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ନଦୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ'ଣ ଇଏ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ନା ଅଟକାଇ ପାରିବେନି? ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଏ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନ ହେବା ଦରକାର ବା ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ନଦୀର ଅଭାବ ଅଛି କି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁନୁ ଯେ ପାଣି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପାଣି ଯାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ। ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିଏ, ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଚାଷ କରି ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବାହାରୁ, ଯେପରି ପରିବା ଚାଷୀଟିଏ ସେ ତା'ର ହାମ୍ପର ହେବନି ତା ଜୀବିକା ଉପରେ, ଯେପରି ଆମର ଭିତରକନିକା ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଅଛି ସେ ନ ହେବା ହାମ୍ପର ନ ହେବା ଦରକାର, ଏଠି ହେନ୍ତାଳ ବନ ମଧ୍ୟ ହାମ୍ପର ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଦେଇ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏଠି ଶାସନ କରିବେ, ଇଏ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି, ଏ କନିକା ମାଟି ହେଉଛି ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅର ମାଟି, ଏଠି ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦେଖାଇ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ
ସମାଧାନର ବାଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବାବୁ, ଏ କନିକା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଣି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଗୋଲି ମାରି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଏ ନରସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସସା ଅଛେ, ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କହିବେ ନାହିଁ ଏ ଉଭୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଏ ଚାଷୀ କୂଳ ବଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଦୁଇ ପଦ କହି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଉଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ଯୁବ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି କହିବା? ସମାନ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଗଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତେବେ ସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଲୋକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣଦେଖା ନକରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଧାନର ଯେଉଁଠି ସରଳ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସମାଧାନର ବାଟ, ସେ ବାଟକୁ ଉଭୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁଏଟ୍, ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।